नमस्कार फ्रेंड्स, शेखावाटी दर्शन पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र कुमार। आज के इस विशेष एपिसोड में जानेंगे भारत की एक महान विभूति के बारे में, जिनका खेतड़ी से गहरा नाता था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देसी रियासतों के विलीनीकरण से पूर्व राजस्थान के शेखावाटी अंचल में स्थित खेतड़ी एक छोटी लेकिन सुविकसित रियासत थी, जहां के सभी शासक साहित्य एवं कला पारखी और संस्कृत के प्रति आस्थावान थे। वे शिक्षा के विकास और विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशमान करने की दिशा में सदैव सचेत रहते थे। 108 मंदिरों की नगरी खेतड़ी सदैव से ही महान विभूतियों की कार्यस्थली के रूप में जानी जाती रही है। चारों तरफ फैले खेतड़ी के यश की चर्चा सुनकर ही आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी ने अपने भारत पर किए गए 17 हमलों में से एक हमला खेतड़ी पर भी किया था, लेकिन उसके उपरांत भी खेतड़ी की शान में कोई कमी नहीं आई। खेतड़ी नरेश अजीत सिंह धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले शासक थे। उन्होंने माउंट आबू में एक नया महल खरीदा था, जिसे उन्होंने खेतड़ी महल नाम दिया था। गर्मी में राजा उसी महल में ठहरे हुए थे। उसी दौरान 4 जून 1891 को उनकी युवा सन्यासी विवेकानंद से पहली बार मुलाकात हुई। इस मुलाकात से वह उस युवा सन्यासी से इतने प्रभावित हुए कि सन्यासी को अपना गुरु बना लिया तथा अपने साथ खेतड़ी चलने का आग्रह किया, जिसे स्वामी जी ठुकरा नहीं सके। स्वामी विवेकानंद 7 अगस्त 1891 को पहली बार खेतड़ी आए। खेतड़ी में वे 27 अक्टूबर 1891 तक रहे। यह स्वामी जी का एक स्थान पर बड़ा ठहराव था। खेतड़ी प्रवास के दौरान स्वामी जी राजा अजीत सिंह से आध्यात्मिक पर चर्चा करते थे। उन्होंने अजीत सिंह को उदार और विशाल बनाने के लिए आधुनिक विज्ञान के महत्व को समझाया। खेतड़ी में ही स्वामी जी ने राज पंडित नारायण दास शास्त्री के सहयोग से पाणिनि और पतंजलि का अध्ययन किया। अमेरिका जाने से पूर्व अजीत सिंह के निमंत्रण पर 21 अप्रैल 1893 को स्वामी जी दूसरी बार खेतड़ी आए। उन्होंने 10 मई 1893 तक खेतड़ी में प्रवास किया। इसी दौरान एक दिन अजीत सिंह और स्वामी जी फतेह विलास महल में बैठे शास्त्र चर्चा कर रहे थे, तभी नर्तकियों ने वहां आकर गायन वादन करने का अनुरोध किया। इस पर सन्यासी होने के नाते स्वामी जी उसमें भाग नहीं लेना चाहते थे और वह उठकर जाने लगे तो नर्तकियों की दल नायिका मैनाबाई ने आग्रह किया कि स्वामी जी आप भी विराजें, मैं यहां भजन सुनाऊंगी। इस पर स्वामी जी बैठ गए। नर्तकी मैनाबाई ने महाकवि सूरदास रचित प्रसिद्ध भजन प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, समरदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, सुनाया तो स्वामी जी की आंखों में पश्चाताप मिश्रित अश्रु धारा बह निकली और उन्होंने उस पतिता नारी को ज्ञानदायिनी माँ कहकर संबोधित किया तथा कहा कि तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। इस भजन को सुनकर ही स्वामी जी संन्यासीन मुखी हुए और जीवन पर्यंत सद्भाव से जुड़े रहने का व्रत धारण किया। 10 मई 1893 को उन्होंने 28 वर्ष की अल्पायु में ही खेतड़ी से अमेरिका जाने के लिए प्रस्थान किया। अमेरिका जाते वक्त खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह ने अपने मुंशी जगमोहन लाल व अन्य सहायक कर्मचारियों को बंबई तक स्वामी जी की यात्रा की तैयारियों व व्यवस्था करने के लिए स्वामी जी के साथ भेजा। राजा अजीत सिंह के आर्थिक सहयोग से ही स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांत की पताका फहराकर भारत को विश्व धर्म गुरु का सम्मान दिलाया था। स्वामी जी ने जहाज का साधारण दर्जे का टिकट खरीदा था, जिसे खेतड़ी नरेश ने वापस करवाकर उच्च दर्जे का टिकट दिलवाया। अमेरिका में स्वामी जी का धन खो गया। इस बात का पता जब अजीत सिंह को लगा तो उन्होंने टेलीग्राफ से वहीं तत्काल $150 भिजवाए। शिकागो में हिंदू धर्म की पताका पहराकर
स्वामी जी विश्व भ्रमण करते हुए 1897 में जब भारत लौटे तो 17 दिसंबर 1897 को खेतड़ी नरेश ने स्वामी जी के सम्मान में 12 मील दूर जाकर उनका स्वागत किया। वह भव्य गाजे बाजे के साथ खेतड़ी लेकर आए। उस वक्त स्वामी जी को सम्मान स्वरूप खेतड़ी दरबार के सभी ओहदेदारों ने 2-2 सिक्के भेंट किए। वह खेतड़ी नरेश ने 3,000 सिक्के भेंट कर दरबार हाल में स्वामी जी का स्वागत किया। सर्वधर्म सम्मेलन से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद जब खेतड़ी आए तो राजा अजीत सिंह ने उनके स्वागत में 40 मण देसी घी के दिए पूरे खेतड़ी शहर में जलवाए थे। इससे भोपालगढ़, फतेह सिंह महल, जय निवास महल के साथ पूरा शहर जगमगा उठा था। 20 दिसंबर 1897 को खेतड़ी के पन्नालाल शाह तालाब पर प्रीति भोज देकर स्वामी जी का भव्य स्वागत किया। शाही भोज में उस वक्त खेतड़ी ठिकाने के 5,000 लोगों ने भाग लिया था। उसी समारोह में स्वामी जी ने खेतड़ी में सार्वजनिक रूप से भाषण दिया, जिसे सुनने हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। उस भाषण को सुनने वालों में खेतड़ी नरेश अजीत सिंह के साथ काफ़ी संख्या में विदेशी राजनयिक भी शामिल हुए थे। 21 दिसंबर 1897 को स्वामी जी खेतड़ी से प्रस्थान कर गए। यह स्वामी जी का अंतिम खेतड़ी प्रवास था। स्वामी जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि यदि खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी से उनकी भेंट नहीं हुई होती तो भारत की उन्नति के लिए उनके द्वारा जो थोड़ा बहुत प्रयास किया गया उसे वे कभी नहीं कर पाते। स्वामी जी राजा अजीत सिंह को समय समय पर पत्र लिखकर जनहित के कार्य जारी रखने की प्रेरणा देते रहते थे। स्वामी जी ने जहां राजा अजीत सिंह को खगोल विज्ञान की शिक्षा दी थी, वहीं उन्होंने खेतड़ी के संस्कृत विद्यालय में अष्टाध्यायी ग्रंथों का अध्ययन भी किया था। स्वामी जी के कहने पर ही राजा अजीत सिंह ने खेतड़ी में शिक्षा के प्रसार के लिए जय सिंह स्कूल की स्थापना की थी। कहते हैं कि स्वामी जी के आशीर्वचन से ही राजा अजीत सिंह को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राजा अजीत सिंह और स्वामी जी के अटूट संबंधों की अनेक कथाएं आज भी खेतड़ी के लोगों की जुबान पर सहज ही सुनने को मिल जाती हैं। स्वामी जी के आग्रह पर राजा अजीत सिंह ने स्वामी जी की माता भुवनेश्वरी देवी को 1891 से सहयोग के लिए 100 रुपये प्रतिमाह भिजवाना प्रारंभ करवाया था, जो अजीत सिंह जी की मृत्यु तक जारी रहा। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1893 में व मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। इसी तरह राजा अजीत सिंह जी का जन्म 10 अक्टूबर 1861 में व मृत्यु 18 जनवरी 1901 को हुई थी। दोनों का निधन 39 वर्ष की उम्र में हो गया था। वह दोनों के जन्म व मृत्यु के समय में भी ज़्यादा अंतर नहीं था। इसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता। आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।